आई होप अब सब क्लियर हो गया है। अब तो सबको पता है कि अनन्या कौन है, और अगर साकेत जी का अनन्या के साथ कुछ भी होता ना तो उसको ऐसे सबके सामने नहीं लेकर आते, और सबसे इंट्रोड्यूस तो हरगिज नहीं करवाते। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब जब सबको सब कुछ पता चल गया है तो प्लीज तुम भी अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। शायद अंबे माँ भी यही चाहती हैं कि मेरी शादी साकेत जी के साथ हो जाए। काश मुझे एक मौका मिल जाता, एक सबूत, एक मौका, फिर मैं साबित कर देता कि देविका की देवी माँ क्या चाहती है। देवी माँ नहीं चाहती कि तुम साकेत से शादी करो, और मैं ये बात साबित नहीं कर पा रहा। काश मैं ऐसा कर पाता देविका। क्या इसने सच में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? मैडम को घर छोड़ना और संभाल के जाना, ये तुम्हें छोड़ देगा। राजनीति समझते हो? उल्टे को सुलटा, सुलटे को उल्टा, फिर तख्ता ही पलट दो। बच्चों, कच्चे खिलाड़ी हो मेरे सामने, तो मेरे साथ पंगा लेने का सोचना भी मत करो, समझे? क्या सोच रहे हो तुम कि ये सब कुछ कैसे हो गया? बाजी पलट कैसे गई, यही सोच रहे हो तुम? मत सोचना, क्योंकि उसके लिए मेरे जैसा दिमाग चाहिए, तेज तर्रार। इसलिए बच्चों एक काम करो, अभी ना घर जाओ और इसे एक नसीहत समझो कि अगली बार मेरा रास्ता कभी नहीं काटोगे तुम, ठीक है? और तुम्हारा नसीब अच्छा है, शादी वाला माहौल था, नाजुक मामला था। बच्चों तुमने मेरे तेवर नहीं देखे, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। है जी, है निवेदिता है जी, लंदन से आई है जी, बहुत ही सोहनी लड़की है। बड़ा सिर उठा उठा के इधर आ रही है ना, यही सिर मैंने इसका शर्म से नहीं चुका दिया ना तो मेरा भी नाम नहीं। काम करते हैं दोनों साथ। हाय हाय मंजू, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली क्यों? सुन कुड़िए, खड़ी है ना, मतलब कि कमाल ही कर दिया, इतने ऊंचे ऊंचे झंडे गाड़ दिए और किसी को हवा तक नहीं लगने दी, क्यों? वैसे मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी खबर छुपाने की जरूरत क्या थी? ओ गॉड, लगता है ये ओल्डी सब शुरू होने वाली है। निवी जल्दी से निकल यहाँ से, वरना इन दोनों औरतों की लड़ाई में तू फंस जाएगी। भाई ये खुशी की बात तो सबको बतानी चाहिए, आखिर हम भी तो आपके अपने हैं। चलो कोई बात नहीं जी, अब बता देते हैं सबको, है? आखिर हमें भी तो रिश्तेदारी का फर्ज निभाना चाहिए ना, है कि नहीं? वरना मैं किस दिन काम आऊंगी? मुझे तो आपकी ये खुशी सबको बांटने में परम आनंद मिलेगा। जी चुप कर जा, क्या बोले जा रही है? भाई इसमें चुप करने वाली क्या बात है, है? खुशी बांटने से दुगनी होती है, सबको बताती हूँ मैं, एक मिनट रुक जा तू। भाई सुनो सुनो सुनो, सब लोग मेरी बात ध्यान, हरबंस कौर इधर ध्यान दे मेरे वाल। हाँ भाई, आप लोग सब हमारे संगीत में आए हो, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मेहरबानी है।
पर मुझे दुगनी खुशी आपको ये बताने में हो रही है कि ये संगीत किसी और के लिए भी बड़े लकी साबित हुआ है। यहाँ इस संगीत में एक और रिश्ता तय हो गया है। और वो रिश्ता दियोर का नहीं, मेरी अपनी प्यारी मंजू के बेटे का हुआ है। और आप सब लोग ना हैरान रह जाओगे जब उस लड़की का नाम सुनोगे, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, मेरी प्यारी मंजू के बेटे की मालकन यानी उसकी बोस यानी करोड़पति निवेदिता लुथरा है। बुढ़ी कर की रही है। निवेदिता को समझाना होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये औरत दुश्मनी निकाल रही है मुझसे जानबूझ के। और वो है कहाँ? क्या हो गया मंजू? तेरा तो ऐसे हो गया जैसे तेरे हाथों के तोते उड़ गए हो। तूने खुद ही तो बताया था है? मुझे बुला बुला के दिखाती थी, बार बार बताती थी कि तेरा बेटा और वो लड़की दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं है? अब बता इस बात का मैं और क्या मतलब समझती। बोला था ना तूने मुझे, बता तू भी ना। आजा पुत्र, आजा आजा, बड़े मौके पे आई है। आजा 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 भाई। आप लोग जो नहीं जानते ना कि मैं किस मुंडे और किस कुड़ी की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यही है वो लड़की जिसका मेरी प्यारी मंजू के बेटे के साथ रिश्ता तय हो गया है। है ना बड़ी खूबसूरत? पर रवि कहाँ है? रवि 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 पुत्र इत्थे आ ना। मंजू बुला ना अपने लाडले को, लगता है जी वो यहाँ है ही नहीं। वो दरअसल ना उसे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की बुरी आदत पड़ गई है। अब क्या करे, जैसी माँ की परवरिश वैसा बच्चा है जी। आंटी बस कीजिए आप, किसने कहा है आपसे कि मेरा रिश्ता होने वाला है? हाय रब्बा, ओ पुत्र आप इतनी परेशान क्यों हो गई हो है? मंजू ने पूछा नहीं था क्या आपसे? यहाँ तो ये सबको घूम घूम के बता रही थी। क्या है सब आंटी? पुत्र आप चलिए मेरे साथ, चलिए मेरी बात। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे,